પ્રતિ લીટર 80 પૈસાનો વધારો નોંધાયો છે। મોંઘવારી મુદ્દે ગાંધીધામમાં કોંગ્રેસનો હલ્લાબોલ। પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો થયો છે। પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 80 પૈસાનો વધારો નોંધાયો છે। આ સાથે જ સતત વધી રહેલા ભાવોના વિરોધમાં કોંગ્રેસ આજે દેશભરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે, કારણ કે મોંઘવારીના લીધે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ ત્રસ્ત બન્યા છે। તમામ ખાદ્ય ચીજો અને ઈંધણના બેકાબૂ ભાવ વધારાથી ત્રાસી ગયેલી દેશની જનતાની પીડા સરકારના કાંડ સુધી પહોંચાડવા માટે આજરોજ ગાંધીધામ શહેર તાલુકા કોંગ્રેસ દ્વારા ગાંધીધામ શહેરમાં મોંઘવારી મામલે ભારે હલ્લાબોલીની સાથે મોંઘવારીની શમશાન યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી। આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં વિવિધ આગેવાનો જોડાયા હતા। આ ઉપરાંત કેટલાક આગેવાનોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી। સંજય ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે જે રીતે મોંઘવારી સતત વધી રહી છે તે જોતા ભાજપ સરકારને ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગની જરા સહેજ પણ ચિંતા રહેલી ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। રિપોર્ટ બાય ભારતી માખી જાણી ગાંધીધામ। આજ કોંગ્રેસ દ્વારા રાષ્ટ્રવ્યાપી મહેંગાઈ કે વિરુદ્ધ જિસ તરહ ભાજપ સરકાર દ્વારા પિછલે 8 સાલ મેં જો મહેંગાઈ બઢતી જા રહી હૈ ઓર અભી ये इस महीने में जो चरम सीमा पे पहुंच गई है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए आज हमने गांधीधाम शहर और तालुका की तरफ से गांधीधाम शहर में महंगाई के विरुद्ध में महंगाई की शमशान यात्रा हमने निकाली। आज पूरे शहर में लोगों को बताया कि किस तरह रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और ये पेट्रोल डीजल के भाव 80 पैसा बढ़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे हर एक चीज़ जो वस्तु पे फर्क पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों पे। आज तेल के भाव कहाँ पहुँच गया, सब्जी देखो कहाँ पहुँच गया। आज मछली खाने वालों को मछली नहीं मिल रही है, आज अंडा खाने वालों को अंडा नहीं मिल रहा है। आज गेहूँ खाने वालों को की हालत क्या हो गई है। दाल, पहले बोला जाता था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो अब तो दाल रोटी भी खाने की मुश्किल हो गई है। दाल रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है मोदी सरकार में। इस तरह की जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो आम आदमी तो त्रस्त हो चुका है और गरीब जो प्रजा है उनकी हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। वो कैसे गुजारा करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये इनका सिस्टम कैसा है, ब्रेक के बाद अभी पूरे 100 दिन उन्होंने डीजल के पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ाए। क्यों नहीं बढ़ाए, क्योंकि इलेक्शन थे 5 स्टेट में। मतलब इसका ये साफ है कि वो कि पब्लिक को उनको मालूम है कि ये चीज़ पसंद नहीं है पब्लिक को, फिर भी उनको गुमराह करके किसी तरह भी ये लोग वोट ले लेते हैं। लेकिन महंगाई जो है उसमें आने वाले समय में जो पब्लिक त्रस्त होगी, जो गरीब प्रजा त्रस्त होने वाली है, उसमें कुछ हाथ नहीं आएगा लोगों को। आप देखिए पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। आज महंगाई के हिसाब से अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है देश की, अर्थव्यवस्था के नाम पर जीरो है। आज धंधा व्यापार दुकानें आप देखो क्या हालत हो गई है लोगों की। एक एक आज वो दुकानदार बैठ करके राह देखता रहता है कि अभी ग्राहक आएगा, पूरा दिन निकाल देता है। हमारे कई दुकानदारों से बात हुई है, बोलते हैं कि सुबह से शाम तक हम बाहर मुंडी निकाल के देखते रहते हैं कि कोई ग्राहक आएगा, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है कोई ग्राहक उनकी दुकान में नहीं आता है। उसका कारण है महंगाई। आज इतनी महंगाई, आज आदमी आम रोटी, आज आदमी दाल रोटी खाएगा या अपनी मोबाइल खरीदेगा या कुछ बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा। तो इस महंगाई के विरोध में हम लोग आज कांग्रेस का हमारा जो राष्ट्रव्यापी पूरा आंदोलन था वो पूरे देश में हमने आज किया है और गांधीधाम में भी, गांधीधाम शहर और तालुका की तरफ से हमने ये प्रोग्राम दिया इस शहर में कि लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह मोदी सरकार जो महंगाई के ऊपर उनका कोई काबू नहीं है। आज महंगाई का मतलब क्या है, आज उनको सरकार चलाना नहीं आ रहा है।